सिवनी पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सौरभ पटेल को गांजा तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिस पर पुलिस ने तीन आरोपियों के पास से 9 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त किया है। वहीं 3 मोबाइल 2 बाइक भी इस मामले में पुलिस ने जब्त की है। बताया जा रहा है कि आरोपी आकाश मोहसिन और आकाश है, साथ ही साथ यह आरोपी छत्तीसगढ़ से गांजा लाकर सिवनी और छपारा क्षेत्र में सप्लाई करने का काम करते थे। छपारा पुलिस को मुखबिर की सूचना पर इन सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि आरोपी छपरा क्षेत्र में गांजा लाकर बेचने की फिराक में थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को धर दबोचा, जिनके पास से गांजा भी जब्त किया गया, जिनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही साथ तीनों आरोपियों को गिरफ्तार में ले लिया है। अब्दुल अफरोज खान की रिपोर्ट। थाना छपारा की पुलिस ने 3 आरोपियों मोहसिन, आकाश और आशीष को गिरफ्तार किया है। तीनों के पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, 9 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ है और उन तीनों के मोबाइल जब्त किए गए। अब पूरे मामले पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का मार्गदर्शन लगातार मिल रहा है। आगे की विवेचना श्रीमान के मार्गदर्शन में की जा रही है।